कीर्तन संगत करण दा सुनण दा तां ही पल है जे कुछ पल्ले बन के जाइए। जितना प्यार कीर्तन सुन दिया मन विच आया ये प्यार मन विच हमेशा रखना, क्योंकि जे मन विच प्यार होवेगा तो साडे घर विच भी प्यार होवेगा, साडे गृहस्थी जीवन विच भी प्यार होवेगा। फोकियां गल्लां करन नाल कुछ नहीं बनता, अमली जीवन रखिए, कोशिश करिए अपने घर विच अपने वड्डियां दा सत्कार करिए, माता पिता दी सेवा करनी, नौ पुत्र सस सहुरे दी सेवा करन, और सस सहुरा भी मापे बन के नौ पुत्र नूं सुख दें। प्यार तां हुंदा जी दोनों पासे इको वर्गा प्यार होवे। सिर्फ एक गल कह के समाप्ति करांगे, सीता जी जद बनवास गए ते सती अनुसुईया दा मेल होया ते सिख्या पुछी, सती अनुसुईया कोलों के माता को सिख्या दे। सती अनुसुईया ने कहा, सीता तू पत्नी तर्व निभाया, जे तेरा पति राजमहल विच सी तू नाल रही, जे तेरे पति श्री रामचंद्र जी नूं बनवास मिलिया ते बनवास दे दुखां विच भी तू साथ दिता। पत्नी धर्म निभाया, पर एक होर धर्म है, वह है सस सहुरे की सेवा करनी। पर सस की सेवा ज्यादा करी, अजकल बहुते झगड़े सस और नूह दे ही होंदे ने, बंदे ते कमां ते होंदे ने ते पिछों लड़ाई ससा नूहां दी होंदी है, ते लड़ाई का कोई वड्डा कारण भी नहीं होंदा, बड़ी छोटी जी गल है। पंजाब की मशहूर गल है कि कड़ी धरी ते कड़ी उबलन लग पई, ते नूह ने किधरे कहता बेबे कड़ी उबलदी है, ते सस कहन लगी कड़छी मार, ते नूह कहती बेबे कड़छी छोटी है, ते सस कहन लगी पेकियां तू वड्डी लै आनी सी, पेकियां तू वड्डी लै आनी सी, ते नूह कड़ी घट सी, कहन लगी तू मेरे पेकियां ते गई मैं तेरे पेकियां नूं छड्डदी आं। इत्थों ही लड़ाई शुरू, फिर कलेश इन्ना वध जांदा है, कलेश वधदा वधदा, एक पासे फिर सस मुंह फुला के बैठी होंदी एक पासे नूं, ते उड़ीक होंदी कि हुण पुत्तर किहड़े वेले घर आवे, आखो सतनाम श्री वाहे, क्योंकि दसना तो सारा कुछ उहनूं ही है। पुत्तर अगे बेचारा थका टुटा घर आंदा, हुण मां कहिंदी है मेरा पुत्तर पहलां मेरी गल सुण, ते नूह कहिंदी है मेरा पति इहदे वास्ते मैं सारा कुछ छड्डिया इह मेरी गल सुण। हुण दोनों कन्न भरदियां ने, सुणन वाला एक सुनाण वालियां दो, ते सनानगिया दोनों ही रो रो के, हुण बंदा की करे। जे ते मां दा भगत है ते घरवाली नूं बाहर कढेगा, ते जे घरवाली दा भगत फिर मां नूं बाहर कढेगा, चल बुढ़िए घर च कलेश पाई रखनी। ते जे दोनों नूं प्यार करदा है, ना मां नूं छड्ड सकदा है ते ना घरवाली नूं, फिर घर छड्ड के बाहर नूं दौड़दा है। इस घर नूं की करना जिथे दो कड़ियां चैन दियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी का फरमान है, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता, मुसीबत का मारिया बंदा फिर घर छड्ड के बाहर दौड़दा है। इस घर नूं अग लावां जिथे दो कड़ियां चैन दियां ने, बाहरों सुख लभदा है। ते गल बड़ी मामूली जी है, जे नूह ने कह ही दिता बेबे कड़ी उबलदी है, कड़ाई कड़छी छोटी है, कड़छी छोटी है, ते अगू जे सस इन्नी गल कह दी धीए फिर की हो गया, कपड़े नाल कड़छी पकड़ लै जे हाथ सड़दा, गल ते इन्नी सी। झगड़ा इतों शुरू होंदा बड़ी छोटी जी गल तो, नूह सस दा ते बड़ी दूर तक जा पहुंचदा। सती अनुसुईया ने कहा, सीता सस की सेवा ज्यादा कर। ते सीता जी कहन लगे, माता सस की सेवा ते जोर क्यों देता है? बड़ी कमाल की गल कही सती अनुसुईया ने। सती अनुसुईया ने कहा, सीता तेरी सस ने तेरे पति नू जन्म दिता है। ध्यान देना, सस तेरी सस ने तेरे पति नू जन्म दिता है, तां तू सुहागण बनी है। अगर तेरी सस तेरे पति नू जन्म ना देंदी ते सीता तू कदी सुहागण ना बनती। सस दी वड्डी देन है, जिन्हें पति दिता तेनू तू सुहागण बनी। सस दाती है, ते दाती समझ के ओदी सेवा कर, ते सस भी अगू दाती बन के दिखावे, खुशियां देवे खुशियां खोवे ना। जिवें अपनियां धीआं नूं
लाड मां लड़ांदी है, इसे तरह कदे सस नूह नाल लाड लड़ावे ते कदे घर च कलेश होवे ही ना। ससा नूह आचान ते घर नूं स्वर्ग बना लैण ते जे होई जाण ते नरक। किसे स्वर्ग नूं लभण दी लोड़ नहीं, आओ एक दूसरे दा मान करके अपने घर नूं ही अपना स्वर्ग बनाईए। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।